जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आज हमारी नई यूनिट चालू हो रही है, नई यूनिट जो है बाइनोमियल थ्योरम है। इससे पहले मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे हो, मैं आपको वही सुटेबल क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम जो एक्स वाई का अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है जो आपका लगा हुआ है, उसके लिए आप हम सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि आज हमारी जो तारीख है, नेक्स्ट डे हमारी 18 हो जाएगी, ठीक है, 18 तारीख हो जाएगी। और 18 तारीख से 23 तारीख तक लास्ट जो हमारी एयरफोर्स एग्ज़ाम की है, तो 23 तारीख आते आते सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग में सबसे पहले सिलेक्शन सेंटर का सिलेक्शन हमें सही चूज करना है कि हमें ज़्यादा दूर पेपर देने ना जाना पड़े, ज़्यादा हमें परेशान ना होना पड़े। तो ये आपको सारी चीज़ें सही से करनी हैं। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो अपना नाम, अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपना एड्रेस सही देख लीजिए, ताकि आपको जब आप सेंटर पे जाते हो तो आपको दिक्कत ना मिले, परेशानी ना मिले, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें सारा सब कुछ काम करना है और अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रखनी है। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, आपको मैं बेसिक भी क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप उनसे सीख सकते हो कि पेपर किस लेवल से आता है, ठीक है। अभी तो मैं आपको केवल और केवल मैथ के लिए ही करवा रहा हूँ। हो सकता है आगे जब हमारे पास कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा हों, क्योंकि अभी फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करवाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो मुझे क्वेश्चन वन बाई वन राइट करना पड़ेगा। राइट करने के साथ साथ में ऑप्शन भी हमें राइट करने पड़ेंगे, और इस पर मैं देखूँगा अगर आप मेरे से बन रहा है कि नहीं, हाँ सही, एक एवरेज स्पीड जा रही है, ठीक है। एक एवरेज स्पीड के अंतर्गत अगर हम कार्य करने में दक्ष हैं, कार्य करना सही हो रहा है, तो मैं आपको उस पर कार्य करके मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, और ज़रूर जल्द ही आपको एयरफोर्स एक्स के लिए फिजिक्स का जो प्रैक्टिस होता है उसको लेके मैं ज़रूर आऊँगा। अगर इस बार नहीं ला पाया तो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे वादा करता हूँ कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो फिजिक्स का आपको जो झंझट है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज आपके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा भी कि आपको टॉपिक वाइज में क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे एयरफोर्स अपकमिंग एग्जाम में आती हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें सारे क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अगर मैं एग्ज़ाम के लिए बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम रहते ही क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन लगाया तो उसी में लगाते चले जा रहे, नहीं लग रहा फिर भी लगा रहे, नहीं लग रहा तब भी लगा रहे, तो ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन हमने देखा, हमें हमारे हमसे लगने में वो लग रहा है और जल्द ही लग रहा है तो उसको करना है, अगर नहीं लग रहा है जल्दी तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगला, आज हम अपने बाइनोमियल थ्योरम पर बात करेंगे, ठीक है। जो आज हमारी नई यूनिट है बाइनोमियल थ्योरम है, कौन सी है? बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बायोनोमियल थ्योरम, तो बाई प्लस नो मी एल, ठीक है। जो बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाई प्लस नोमियल से बना हुआ है, तो आप इसका सबसे पहले बताएंगे कि बाई का मतलब क्या होता है, नोमियल का मतलब क्या होता है, बाई प्लस नोमियल मतलब बाई प्लस नोमियल पर बाई मीन्स क्या हो रहा है, नोमियल मीन्स क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बाई हमारा ये होता है दो, क्या होता है? दो, हिंदी या इंग्लिश किसी में लिख दो, ठीक है। नोमियल मीन्स होता है टर्म, नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म, टर्म बोले तो पद। तो ये क्या हो गया? द्विपदी, ठीक है, द्विपद प्रमेय, हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विपद थ्योरम मीन्स होता है प्रमेय। इसी तरीके से जैसे आप लिखते हो पॉलीनोमियल, ठीक है, तो वो भी तो ऐसे हो जाता है, पॉली मीन्स मैनी होता है, नोमियल मीन्स पद होता है, अनेक पद, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनोमियल को हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले एक्सपेंशन ही, जनरल एक्सपेंशन एक्स प्लस ए ही पूछा जाता है की पावर एन, कहीं कहीं पे a प्लस एक्स देता है, लेकिन हम x प्लस ए को ही लेके चल रहे हैं। x प्लस एन, एक्स प्लस ए की पावर n का हमें एक्सपेंशन करना है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ जारी ज़रूरी बातें होती हैं। क्या? कि जब भी अगर हम x प्लस ए का वर्ग करवाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का 2ah प्लस का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसकी पावर दो थी, ठीक है, तो इसमें टर्म्स कितने आए, तीन आए। अगर मैं यहीं पे x प्लस ए की पावर तीन के लिए करवा दूंगा तो एक्स क्यूब प्लस का 3ax स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर x नेक्स्ट हो जाएगा a क्यूब। मतलब जब पावर दो है तो तीन पद आए, पावर तीन है चार पद आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा पद जो होगा, पावर से पदों की संख्या एक हमेशा ज़्यादा एक्सट्रीम करेगी, ये थोड़ा हमें जानकारी मिली। यहाँ से पावर क्या है, पावर n है, पावर n है तो मतलब पावर कुछ भी हो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो 1x प्लस a की पावर n, जब इसमें बढ़ेंगे तो ये हमारा जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा एन सी जीरो एक्स, ठीक है, एक्स की एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस आगे पढ़ेंगे तो एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए, आगे बढ़ेंगे एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू अप टू डॉट डॉट, नेक्स्ट आगे मिलेगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर प्लस अप टू डॉट डॉट एन सी एन ए की पावर n, ठीक है। ये हमें मिलने वाला होता है जब भी x प्लस ए की पावर n का हम एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करने के बाद में हमने क्या देखा कि जब भी इसका एक्सपेंशन किया तो एन सी वन एन सी जीरो एक्स की पावर n और यहाँ पे a की पावर जीरो होगा तो वैल्यू उसकी a आ जाए, एक आ जाएगी तो उससे कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर अप टू डॉट डॉट, नेक्स्ट आगे हमें जनरल टर्म मिलेगा, फिर देन इसके बाद एन सी एन ए की पावर n मिलेगा। ए की पावर n में आगे चलते हैं तो ये हमने बताया कि आपको ये आपको क्या मिला हुआ है, जनरल टर्म। जनरल टर्म के लिए जब भी हम अगर जीपी के लिए बात कर रहे थे तो आरवां पद क्या लिख रहे थे, टी आर इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब भी अगर मैं जनरल टर्म के लिए बात करूँगा, ठीक है, किसके लिए, जनरल टर्म के लिए बात करूँगा, जनरल टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर मिलेगा। जनरल टर्म इसमें क्या मिलेगा, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर मिलेगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स प्लस ए की पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा आर एन आर इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर क्या हो जाएगा, आर। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x प्लस ए की पावर n के प्रसार में जो जनरल टर्म आएगा उसका फार्मूला r इज इक्वल टू जीरो से लेके कहाँ तक n तक जाना है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पे जो हमारी पावर है n, ये बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर को। n क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। और जहाँ x व a हैं, जहाँ इसके लिए बात करेंगे, x और a कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, x कमा a कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, x व a क्या है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि द्विपद परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, द्विपद परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो द्विपद परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें या तो जोड़ा जा सकता है या उन्हें घटाया जा सकता है, ठीक है। द्विपद परिमेय होती हैं, द्विपद, ठीक है, द्विपद परिमेय संख्याएं, ठीक है, ये क्या है, वे संख्याएं जिन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है द्विपद परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हमारे पास कहीं पे x इंटू वाई या x अपान वाई या एन सी टू लिखा हुआ है, ठीक है, या एन सी टू अप टू डॉट डॉट, ये हमारी जो बाइनोमियल थ्योरम नहीं होंगी, इज नॉट बाइनोमियल, ठीक है, थ्योरम, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सीधी सी बात पढ़ी है कि बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल जो नंबर्स होती है उनको या तो घटा सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गुणा भाग कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम के अंतर्गत हमारा नहीं आएगा।
ये बायनॉमियल थ्योरम के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। साफ करने के बाद में थोड़ी चीज़ें और जानकारी प्राप्त करते हैं कि जब भी अगर ये जनरल टर्म हमारा आ गया है, ठीक है, अगर मैं बात करूँगा NC0, NC1, NC2, NCR अप टू NCN, ये क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। NC0, NC1, NC2, NCR, NCR अप टू डॉट कोफिशिएंट ऑफ पदों के क्या हैं, गुणांक हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या हैं, पदों के गुणांक हैं, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अगर मैं बात करूं एक्स की पावर एन का गुणांक क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स के बारे में ज़्यादातर जानकारी देगा हमें, ठीक है। क्या देगा, पदों के गुणांकों के बारे में जानकारी देगा हमें, ये बात हमें निकल के आती है। तो अगर हमें यहाँ पे आपने देखा कि जब भी अगर पदों के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्रॉपर्टी को भी ध्यान देना है। प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में, ठीक है, यानी जो हमारी ये पावर है, यह एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तथा इसमें अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ टर्म्स किसके लिए, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात करूं, पदों की संख्या मैंने आपको बताई थी हमेशा एक से क्या होती है, ज़्यादा होती है, एन प्लस वन होगी जाके, क्या होगी जाके, एन प्लस वन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में प्रत्येक पद में यक्स और ए की घातों का योग नियत रहता है। यक्स और द्विपद प्रमेय के प्रसार में यक्स तथा ए की घातों का योग हमेशा नियत रहता है, और नियत रहेगा तो वो होगा क्या, केवल n होगा। यक्स और ए की घातों का योग हमेशा हमारा क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो प्रथम से जोड़ो चाहे लास्ट से जोड़ो, हमेशा यक्स और ए की घातों का योग क्या रहेगा, n रहेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द्विपद प्रमेय के प्रसार में यक्स और ए की घातों का योग क्या होगा, नियत रहेगा, n होता है। यहाँ पे देखो तो x की पावर n, यहाँ पे देखोगे तो ए की पावर n, इनको जोड़ोगे x की घातें तो एक एक कट जाएगा, बचेगा केवल n। यहाँ पे भी देखो तो ऐसे करके हम देख रहे हैं कि प्रसार में x और a की घातें जो हैं इनका अगर सम करें तो इनकी घातों का जो सम है नियत है क्या, n है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है द्विपद प्रमेय के प्रसार में x की घातें एक एक करके कम होती जाती हैं, वही a की घातें एक एक करके बढ़ती जाती हैं। यहाँ पे x की पावर n थी तो a की पावर हमारी 0 थी, x की पावर n माइनस वन हुई तो a की पावर 1 हो गई, n माइनस टू हुई तो a की पावर 2 हो गई। तो x की घातें एक एक करके घट रही हैं तो वही a की घातें एक एक करके बढ़ रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द्विपद प्रमेय के प्रसार में प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ पदों के गुणांक समान होते हैं। द्विपद प्रमेय के प्रसार में प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ पदों के गुणांक समान होते हैं, ठीक है। द्विपद प्रमेय के प्रसार में प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ पदों के गुणांक समान होते हैं, तो यहाँ से NC0 NCN होता है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर n, a की पावर n है तो इसका भी कोफिशिएंट अगर मैं देखूँ तो इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे NCR हमारा कोफिशिएंट है, नेक्स्ट आगे NC1 NC2 ऐसे करके आगे NCN है, तो आगे हमारा कुछ और मिलेगा, आगे यहाँ से इसके पहले मिल जाएगा। तो ये हमारे कोफिशिएंट जो हैं समदूरस्थ वाले हैं, ये हमारे इक्वल रहने वाले, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारा एक्सपेंशन था, तो एक्सपेंशन पे ही हम बात कर रहे थे, एक्स प्लस ए की पावर एन इज इक्वल टू, यही था हमारा, ठीक है, ये था हमारा। अब इसमें नेक्स्ट हमारा, जब हमने देख लिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात हो गई, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया, 2x माइनस का 3y की पावर 25 और इसमें पूछा हमसे क्या नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पूछेगा, तो इसके लिए क्या बताओगे, 10 प्लस 1 होता है तो 21 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वही अगर मेरे पास 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ गया, 20 आ गया, और ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, एयरफोर्स में आया हुआ है,
एक दो बार आ चुका है ये, तो ये 1 - 2x + x² की पावर 20, तो इसको लिख देंगे 1 - x की पावर 2, तो होल पावर कितना है 20, तो ये बराबर हो जाएगा 1 - x की पावर कितना 40। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर बताए तो हम बता सकते हैं कितना आएगा बउआ, 40 + 1 = कितना आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जब भी बात करेगा इस टाइप में तो टर्म्स के लिए कितने बताएंगे, 40 टर्म्स आएंगे, ठीक है। ये हमारा होगा जाके नेक्स्ट, ये हमारा एक्सपेंसर हमारा इस वाले इसका एक्सपेंसर हमारा ये हुआ जाके है। वही अगर मैं यहाँ पे एक्स माइनस ए की पावर एन का एक्सपेंसन करूँ तो ये हो जाएगा एन सी जीरो एक्स की पावर एन, ठीक है, ए की पावर जीरो माइनस यहाँ पे हो जाएगा एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, नेक्स्ट हो जाएगा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर, नेक्स्ट अप टू डॉट डॉट एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर या माइनस वन की पावर आर, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस वन की पावर आर अप टू डॉट डॉट, ठीक है, अप टू डॉट डॉट एन सी एन ए की पावर एन, ऐसा भी कर सकते हैं। जब हमने इसमें एक्सपेंशन किया तो यहाँ पे देख रहे हो कि अल्टरनेटिव हमारा साइन चल रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जब ये हमारा चल रहा है और यहाँ पे एन जो हमारा है एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। अब अगर मैं इसमें जनरल टर्म्स के लिए बात करूँ, इसके लिए जनरल टर्म्स के लिए, ठीक है, जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, या तो इसको माइनस ए की पावर आर लिख सकते हैं या इसको ऐसे ना लिखो तो माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन की पावर आर क्या होगा जाके, माइनस वन की पावर एन लिखो, आर का है लिख रहा हो, ठीक है, माइनस वन की पावर एन लिखो नॉट आर, एन लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखोगे एन। तो ये हमारा जनरल टर्म्स के लिए फार्मूला होगा जाके, और जब जनरल टर्म्स के लिए हमारा फार्मूला हो गया है तो अब अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भी अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स चाहे प्लस हो या माइनस हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पद से संख्या एक ज़्यादा होगी, तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स प्लस वाई की पावर एन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे तो एन प्लस वन, कितने होंगे एन प्लस वन। वही अगर एक्स माइनस टू आई की पावर 20 में नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तो यहाँ पे आप कितना बताओगे, 20 + 1 = कितना हो जाएगा 21। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में मिलेगा, नेवी में मिलेगा, एयरफोर्स में एनडीए में भी आता है, नंबर ऑफ टर्म्स जब भी आप अगर आप आपसे बात पूछे तो आप इसको ऐसे बता सकते हो, ठीक है, आप यही क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जनरल टर्म्स के बारे में कुछ जानकारी थी, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जानकारी थी। आज हम केवल और केवल इसी पे ही सीखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, जनरल टर्म्स क्या होता है, एक्सपेंशन कैसे करना है, यही सारा सब कुछ आज हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसी पे बात कर लूँ थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी पे थोड़ा वर्क और हो जाए, थोड़ा सा वर्क और हो जाए, तो यहाँ पे मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, ठीक है, इसको मैं सेकेंड मान लूँ, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मानूँ, इसको सेकेंड मानूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट को सेकेंड से ऐड करवा दूँ, ऐड करवाने पे हमने देखा एक्स प्लस ए की पावर एन, और यहाँ पे प्लस करवाया है तो ये हो गया एक्स माइनस ए की पावर एन इज इक्वल टू किया तो यहाँ से एन सी जीरो एक्स की पावर एन, एन सी जीरो एक्स की पावर एन, ये टू टाइम्स रहेगा तो टू मैंने बाहर ले लिया, अंदर हमारा हो जाएगा क्या, एन सी जीरो एक्स की पावर एन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा बचेगा जाके एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है, अब टू ये भी आगे कैंसिल होगा जाके, तो आगे यहाँ पे हमारा ए की पावर क्या बचेगा, टू अप टू डॉट डॉट, ठीक है, अप टू डॉट डॉट
आगे हमारा फिर बचेगा NC3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा NC4 एक्स की पावर एन माइनस फोर ए की पावर फोर अप टू डॉट डॉट, इस तरीके से बचेगा। तो हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पहला टर्म्स जुड़ रहा है, दूसरा कट रहा है, तीसरा जुड़ रहा है, चौथा कटेगा, पांचवा जुड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए जो आ रहा है इनका जो सम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2। यहाँ पे बात करेंगे सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, क्या आ रहा है सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, ठीक है, सभी विषम संख्याओं का सम आ रहा है। यहाँ पे हमें ये जानकारी मिल रही है कि जितने भी विषम नंबर होंगे जाके फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ अप टू, तो सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स का जो हमें सम मिल रहा है सारे के सारे ऑड टर्म्स मिल रहे हैं। वही अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड को लेस करवा दूँ, फर्स्ट से सेकंड को लेस करवा दूँ, तो ये हमारे पास बचे जाके एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए की पावर एन, ठीक है, टू इज इक्वल टू, यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो दो हमारा तो ये बचेगा ही जाके। आगे आगे मैं बात कर लूँ तो आगे बात करूँगा तो इसका इसमें यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस के बाद में, तो ये हो जाएगा एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की, बस नेक्स्ट ये हमारा प्लस का था, ये हमारा माइनस का था, ठीक है, तो माइनस करवाने से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा जाके तो ये एन सी वन है, नेक्स्ट हमारा ये बचा है तो नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा बचेगा एन सी थ्री, नेक्स्ट हमारा बचेगा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर कितना बचेगा 3 अप टू डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है, ए की पावर 3 अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे पहला कट रहा था, दूसरा बच रहा था, मतलब सम टर्म्स इवन टर्म्स, नेक्स्ट हमारा ये कटेगा तो नेक्स्ट वाला बच जाएगा, तो ये हमारा क्या बच रहा है तो 2, यहाँ पे लेके देंगे सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स, इवन टर्म्स जो इवन टर्म्स का जो सम आ रहा है वो हमें मिल रहा है। तो इससे भी चीज़ें बहुत सारी क्लैरिफाई होती हैं आपके NDA एग्ज़ाम के लिए। NDA एग्ज़ाम में आपको कितना अच्छा बेस्ट देना है उसके लिए हमें देखना होता है कि NDA एग्ज़ाम को अपना कैसे हम क्लैरिफाई करें, कैसे हम क्लियर करें। तो सारी चीज़ें आपने अगर बेसिक पढ़ के रखा है, बेसिक अगर आप सीख के गए हो, तो बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन में तो कम से कम एक क्वेश्चन तो 2.5 नंबर का होता है, 10 नंबर की आ गई। तो हर एक टॉपिक को आपको लेके चलना है, कोई भी टॉपिक अगर आपका वीक है तो उस पर आप धीरे से वर्क करिए, वर्क करने के बाद में धीरे से उसको कवर करिए, कवर करने के बाद में अगर आप सारी चीज़ें देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप NDA का NDA रहा और लोग IAS PCS UPSC एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये तो NDA है यार, NDA है क्या, नथिंग यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पोर्शन था, तो इसके बारे में हमने सीखा है, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने एक बार अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ऑड टर्म्स आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इवन टर्म्स का सम आ रहा है, ठीक है। तो इनके बारे में भी मैं जानकारी कुछ जुटानी है, कुछ चीज़ें करनी हैं जो कि हमारे कुछ क्वेश्चन हैं और हमें करने में सहायता करेंगे, ठीक है, हमें करने में थोड़ा कुछ बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं अभी करेंगे इनको, ठीक है, अभी इनको करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब इसको पूरा सॉल्व हटा रहे हैं, हटाने के बाद में आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक्सपेंशन देख लिया और इस एक्सपेंशन से रिलेटेड आपके एयरफोर्स एग्जाम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, मुझे चाहे इसमें बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन क्यों ना रखने पड़े, क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ अभी एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए की पावर एन, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स की पावर ए माइनस एन के प्रसार में
पद पूछेगा, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ टर्म्स के प्रसार में, के प्रसार में पदों की संख्या, क्या पूछ सकता है, पदों की संख्या ये रहेगा। अभी हमने पूछा कि x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, तो यह मतलब अब ये क्या होगा जाके, पदों की संख्या क्या होगी जाके, तो इट्स डिपेंड ऑन n, किस पर निर्भर करेगा, n पे निर्भर करेगा, ठीक है, किस पर निर्भर करेगा, n पे निर्भर करेगा कि n हमारा कैसा है, n हमारा कैसा है। तो इसके लिए जब n पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, तो अब इसमें बताएंगे अगर n इज इवन, n कैसा है, इवन है, तो यहाँ से हो जाएगा n बाई टू प्लस वन वा टर्म्स, ठीक है, nवा टर्म्स, ठीक है, ये होंगे जाके, nवा पद हो जाएगा, nवा टर्म्स हो जाएगा। अगर हमारा प्लस में लिखी वैल्यू है और n हमारा इवन है तो n बाई टू प्लस वनवा पद होगा जाके, और वहीं अगर हमारे पास n कैसा है, इफ़ n इज ऑड, n इज ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस वन अपॉन टू वा टर्म्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है, अगर x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या पूछे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, तो इट इज डिपेंड ऑन n, n पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, भाई मेरी राइटिंग सही नहीं है, तो आपको डिपेंड ऑन n, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, n अगर हमारा इवन है तो n बाई टू प्लस वन वा टर्म्स, n अगर हमारा ऑड है तो n प्लस वन अपॉन टू वा टर्म्स होगा जाके, ठीक है। तो अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, x प्लस k की पावर 100 प्लस x माइनस k की पावर 100 के प्रसार में, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ से देखा कि हमारे पास ये भी साइन को भी देखना है, प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, पावर कैसी है, इवन है, यन कैसा है, इवन है, तो यहाँ से हमारा जब यन इवन है तो यन बाई टू प्लस वनवा टर्म्स ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, 100 अपॉन टू प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 51वा टर्म्स, कौन सा होगा, 51वा पद, क्या बोलेंगे, 51वा पद आएगा, क्या आएगा, 51वा पद आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो आपके सामने मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी जाके, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से क्या है कि सारी चीज़ों को आपको देखना है कि चीज़ें किस तरीके से हमें करनी हो रही हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये था, एक और क्वेश्चन बस, वहीं अगर हमसे अगर थोड़ा ऐसे पूछ देता है, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन मतलब वैरायटी है x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, n के प्रसार में पदों की संख्या पूछेगा, ठीक है, x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या, तो इसको भी बताएंगे, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन n, किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या पूछ रहा है तो इट इज आल्सो डिपेंड ऑन n, किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है। जब ये चीज़ें n पे डिपेंड कर रही, मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा भी पूछता है,
आपको वही बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछ देता है। जब आपका पेपर, आपका मान लो पेपर अगर थोड़ा लेंदी आ गया, मॉडरेट लेवल का आ गया, तो ये कौन सा टफ है, कौन सा हवा है यार, बिल्कुल ट्रिक तो लगा रहे हो उसमें, कर क्या रहे हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड तो चल ही रहे हैं। ठीक है, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन यन। अगर यन पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं तो देखते हैं, देखते हैं अगर हमारा इफ एन इज इवन इवन देन ये क्या हो जाएगा, एन बाई टू वा टर्म्स। ठीक है, एन बाई टू वा टर्म्स हो जाएगा अगर हमारा एन ऑड है, अगर हमारा इफ एन इज ऑड देन एन प्लस वन अपॉन टू वा टर्म्स, टू वा टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे हमें देखना है, इन्हीं चीज़ों पे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे हमें क्वेश्चन करके दिखाना है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को हमें आगे लेके चलना है। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, देखा है आपने आप चीज़ें कर रहे हो और किस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना हो रहा है, कैसे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है, बिल्कुल इजी पेपर आता है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सपेंशन करना है। अगर यहीं पे आपको लिख दिया जाए x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन कीजिए, तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, x प्लस टू वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन कीजिए, कुछ भी आ जाए और आपको अगर एक्सपेंशन करने के लिए बोल रहा है तो आप उसका एक्सपेंशन कर पाएंगे। कैसे करना है ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको कल बताई जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी आपको आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, और अपनी पढ़ाई बराबर निरंतर बनाए रखिए।